पति उनके लिए केवल होते हैं पति, या फिर फौजी कैंटीन के सस्ते सामान की तरह। पहाड़ पर नमक बोती औरतें अपने परदेश जाते पतियों को पहुंचाने धार तक आती हैं हमेशा, फिर लौट जाती हैं धार के उस तरफ। नमस्कार, मैं अंकिता रासुरी। आज मैं पढ़ने जा रही हूँ अनिल कार्की की कविता पहाड़ों पर नमक बोती औरतें। पहाड़ों पर नमक बोती औरतें बहुत सुबह ही निकल जाती हैं अपने घरों से, होती हैं तब उनके हाथों में दराती और रस्सी। चूख के बड़े बड़े दाने, सिलबट्टे में पिसा गया महकदार नमक। छोड़ आती हैं वे बच्चों की आंखों के भीतर सबसे मीठी कोई चीज, लेकिन नहीं होती वे पर्वतारोही। दाखिल होते हैं पहाड़ अनिवार्यताओं के साथ उनके जीवन में, हर दिन पहाड़ों को पाना होता है। उनसे पार उनके पास होता है तेज चटपटा नमक व गुड़ भी, जिसे खर्चती हैं वे मोतियों की तरह। किसी धार पर ढलान में उतरते हुए या फिर चढ़ते हुए, इस तरह होती हैं उनकी अपनी जगहें जंगलों के बीच ही, जहां वे जोर से हंसती हैं। दरातियों के नोक से जमीन को कुरेदते हुए बहुत सारा नमक वो आती हैं वे पहाड़ों पर। उगता है उनका नमक अपनी ही बरसातों में, अपने ही एकांत में, अपनी ही काया में, अपनी ही ठसक में। वे बैठ जाती हैं तब किसी धार की नोक में टिके पत्थर पर। छमछट दिखता है जहां से नदी का किनारा, दूर घाटी में पसरती नदी की तरह महसूस करती हैं तब वे खुद को। उनके गादे से झांकती हैं हरी पत्तियां बांझ की एक टक। अपने तनों से मुक्त न्योली गाते हुए करती हैं वे संबोधित अपनी ही भाषा में, अपने ही अनघड़ शब्दों में पहाड़ को। वे गढ़ती हैं छीड़, फिर गिरती हैं और बुग्यालों में बसर जाती हैं। उनकी दराती तब घास बनकर उगती है चारों ओर हरी। उनका यह महकदार नमक सींचता नहीं बल्कि बिखर जाता है। वे फिर काट लाती हैं हरापन अपने घरों के भीतर और वो आती है नमक फिर से पहाड़ों पर। नमक बोती हुई औरतें थकती नहीं, या कि उन्हें थकना बताया ही नहीं गया है। वे होती हैं एक शिकारी चिड़िया की तरह, जो खदेड़ देती हैं बहुत दूर उंगली वाले चीलों को अपने घोंसलों से। उनकी रातें भी होती हैं अपने परदेश गए पतियों के लिए नहीं, बल्कि अपने दुखों को साझा करने वे रातों को चल पड़ती हैं मीलों दूर जत्थों में चांचरी गाने। वे बहुत शातिर छापेमारों की तरह कर देती हैं तब रात को गोल घेरे में बंद। वे हाथों में हाथ लेकर बना लेती हैं चक्रव्यूह, जहां नहीं घुस पाती उदासी। तब फाटक पर टंगी बोतल बत्ती धधकती है, बांझ के गिलखे लाल हो रहे होते हैं कहीं किसी कोने में। उनके गीतों की हवा पाकर तब धूल उठती है, जमीन निखर जाती है। वह अपने पतियों के बिना भी रहती हैं खुश। पति उनके लिए केवल होते हैं पति, या फिर फौजी कैंटीन के सस्ते सामान की तरह। पहाड़ पर नमक बोती औरतें अपने परदेश जाते पतियों को पहुंचाने धार तक आती हैं हमेशा, फिर लौट जाती हैं धार के उस तरफ, घास से भरे डोके लेकर या पानी की गगरी कांख में दबाए। क्योंकि वे जानती हैं लौट आते हैं परदेश गए लोग अपनी जमीनों को एक दिन, इसलिए वे बसंत का स्वागत करती हैं, दरवाजों पर फूल रखती हैं। बसंत पंचमी को वे जाती हैं जंगल, दे देती है वह
अपनी सारी टीस हिलांस को, अपने विरह को भूल जाती हैं। घुघुती की सांखों से निकलती घूर घूर की आवाज में अपने रंगों में रंग देती है जंगलों को। तब बुरांस खिलता है लाल, काफल में भर जाता है रस, पहाड़ पर नमक बोती औरतें महकदार नमक लिए चलती हैं हमेशा। पहाड़ पर नमक बोती औरतों के होते हैं प्रेमी, वे खुद होती हैं महान प्रेमिकाएं। अपने देशाटन पर गए पतियों से वे करती आई हैं विद्रोह, और घुमक्कड़ों के साथ भागने के उनके किस्से अब तक जिंदा है पहाड़ों पर। वे भेड़ों का रेवड़ लेकर चली आती हैं भोट से कत्यू राजाओं के दरबारों तक, अपने प्रेम को व्यक्त करने राजाओं के दरबारों से सुरक्षित निकल भी जाती हैं। अपने जंगलों को उन्हें पाने के लिए राजा खोते आए हैं अपनी सेनाएं। अपनी ओर उठती जमींदारों की आंखें फोड़ कर वह भाग आती हैं। वे अपने प्रेमियों के पास अक्सर वे खोज देती हैं बागनाथ की मूर्ति की आंखें। वे नदियों को देती हैं सोने के सिक्के दान, कहती हैं बहती रहना, पत्थरों को मिट्टी बनाते रहना घिस पिस कर। तब जब वह बन जाएंगे मिट्टी, हम बो देंगी उन पर नमक। पहाड़ पर नमक बोती औरतें होती हैं ईजाएं, उनके बच्चे खेलते हैं मिट्टी में और खा भी लेते हैं। वे मिट्टी का स्वाद जानते हैं, उनकी नाक बहती है और बहती हुई नाक का नमकीनपन उन्होंने चखा है। ईजा के वक्ष से लगते हुए यह प्रमाणित हो जाता है खुद ब खुद। पसीने से कुछ अलग नहीं होता, ईजा के वक्ष का स्वाद जो होंठों पर चिपका रहता है उनके जवान हो जाने पर भी। जवान होने से पहले वह पहाड़ों पर खेलते हैं फिसलने वाला खेल, फिसलते हुए फट जाती हैं उनकी पैंट पिछवाड़े से, स्कूल की खाकी पैंट के पीछे हो जाते हैं छेद जिसे वह आजीवन सीते रहते हैं। फिर ईजाओं से अलग होकर वे पहाड़ों पर जाते हैं गाय चराने, तब रिवड़ाते हैं बैलों को और जला देते हैं। सबसे ऊंचे पहाड़ पर खतडुआ, उनकी माएं तब उनके लिए पकाती हैं रोटी और पीसती हैं नमक। पहाड़ पर नमक बोती औरतें जब कभी पहाड़ों से घास के डोकी के साथ गिरती हैं छमछट ढलान पर, लुढ़कते हुए नदी के पास पहुंच जाती हैं, या एक नदी हो जाती है तब बदल दिया जाता है उस धार का नाम उनकी शहादत पर। पिताओं और पतियों के घर से दूर इस जंगल में वे याद की जाती हैं हमेशा घसियारिनों द्वारा। तब शाम का पीला घाम केवल उनके लिए ही पसरता है पहाड़ों पर, ताकि सूख सके मासिक धर्म में पहनी हुई उनकी धोती। इसी धूप में नहाती हैं वे गाढ़ खोलों में, बैठ जाती हैं गाढ़ के सबसे ऊंचे टीले में। यही धूप मिलती है छुतिया सैड़ी को सूरज की ओर से। पहाड़ लपक कर पकड़ लेता है इस धूप को अपने सच्चे हकदारों के लिए। उस वक्त घरों पर बैठी पहाड़ पर नमक बोने वाली औरतें पहाड़ों से गिरी हुई शहीद औरतों को याद करती हुई अपने बच्चों को बताती हैं कि क्यों आता है पीला घाम पहाड़ों पर सांझ को ही। कैसे पड़ा होगा नाम इस दुनिया में जगहों का, पेड़ों का, चिड़ियों का, यहाँ तक कि फ्योली के फूल का भी। और इस तरह बताती हैं अपने इतिहास और अपनी लड़ाइयों में वे राजधानी से दूर। किस तरह होती हैं शामिल, किस तरह होती हैं शहीद, किस तरह करती हैं गर्व, किस तरह है ढलानों पर, किस तरह भींच लेती हैं जमीनों को अपनी जड़ों से। बच्चे सुनते हैं और अधबीच में सुनते हुए सो जाते हैं। एक लंबे अंतराल के बाद अभिमन्यु घिर जाता है चक्रव्यूह में। जो ही जवान एकलव्य निकलता है अपने कबीले से बाहर, काट दिया जाता है उसका अंगूठा, तब इतिहास में अर्जुन लिखे जाते हैं गांडीव धनुष के साथ। जबकि पहाड़ पर नमक बोती औरतें मरकर भी नहीं छोड़ती अपनी जमीनें। वे घट वाली गाढ़, जंगल वाली धार और नौले वाले खोलों में रहती हैं मौजूद हमेशा। उनके हिस्से का नमक, उनके हिस्से का टीका, उनके हिस्से के कपड़े,
उनके हिस्से की दरातियां और उनके हिस्से का दर्पण आज भी चढ़ाता है जगरिया। कहीं किसी धार पर डर के मारे मरकर भी नहीं छोड़ती वे अपनी सगजियों को, हर दुख में उन्हें देती है लड़ने का हौसला। पहाड़ पर नमक बोते रहने की जिम्मेदारी से कराती रहती है अवगत वे सपनों में फटी धोती पहनकर चली आती है, मांगती है नमक महकदार, बुलाती है जंगलों में अपनी सहेलियों। धार पर बैठकर सुनाने को कहती है न्योली, औरतें जाती हैं जंगल और फिर वो आती हैं नमक पहाड़ों पर।